सबसे पहली चीज़ ये बताएं, आपके पास ये दो मासेज हैं एम और एम, ठीक है, एम और एम। वो क्वेश्चन में ये बोलेगा कि ये मासेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ आर, सही है, और फिर वो ये बोलेगा ये दो मासेस सर्कल में घूम रहे हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास, मेरा पहला क्वेश्चन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ये मास इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा बाय इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, सही है। और मान लो अर्थ नहीं, ग्रेविटी नहीं, कुछ नहीं, मैं एक ऐसी जगह पे इनको ले गया जहां पर कोई प्लैनेट इनको खींच भी नहीं रहा और इनको मैंने छोड़ दिया, अब ये क्या करेंगे, गोल घूमेंगे कि इनकी टक्कर हो जाएगी, गोल घूमेंगे कि टक्कर होगी, कुछ नहीं है बीच में, बस मैं और तुम, और छोड़ दिया हम दोनों को किसी ने ग्रेविटी फ्री स्पेस में, अब क्या होगा, टक्कर होगी, मतलब टक्कर होगी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ पुल होंगे और टक्कर हो जाएगी, ओके। फिर इस चीज़ का आंसर दो कि अगर मान लो ये ट्राइंगल नहीं है, ये बस तीन मासेज हैं एम एम और एम एम, मैंने छोड़ दिया इनको भी, अब इनकी क्या होगी, इनकी भी टक्कर होगी, ये सर्कल में घूमेंगे। देखो क्वेश्चन तो तभी मजा आएगा ना जब क्लियर हो कि सर्कल में कब घूमेंगे और कब नहीं घूमेंगे, घूमेंगे घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रिपिटल, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूं आप ये बोल रहे हो, इस मास ने इस मास को खींचा एफ फोर्स, इस मास ने इसको खींचा एफ फोर्स, सेम फोर्सेस यहां भी ड्रॉ करनी है, तो इसके ऊपर तो दो फोर्सेस ऐड कर रही हैं, इन दोनों का वेक्टर सम कहां एक्ट करेगा, टुवर्ड्स सेंटर, तो ये सर्कल में घूमेंगे, ठीक है। फिर इसके आंसर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने को छोड़ रखा है, ये मास कहता है मेरे को तो यहां जाना है, देखो फोर्स, नेट फोर्स का मतलब, रुको रुको, नेट फोर्स का मतलब ये मास कहता है मुझे यहां पे जाना है। फिर ऐसी सेम सिचुएशन, ये मास इसे खींचेगा, ये वाला मास इसे खींचेगा, नेट फोर्स, ये मास कहते हैं मुझे यहां जाना है, फिर ये इसे खींचेगा, ये इसे खींचेगा, तो ये मास कहते हैं मुझे यहां पे आना है, अल्टीमेटली तीनों मासेस सेंट्रॉइड पर टक्कर खा जाएंगे। नहीं, इस तरह नहीं है ये, बस ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है, देखो कोई लॉजिक हो ना, देखो सर्कल का कोई आपको लग भी रहा हो कहीं बात, तो मैं कहूं भी सर्कल है, देखो मेरे को तुम कहोगे हम तीन ट्राइंगल बना लेते हैं ना, मेरे को पता नहीं वहां से फोर्स मिल रही है उधर जाने के लिए, तो मैं इधर क्यों जाऊंगा, मैं घूम के क्यों जाऊंगा, मैं सीधा चला जाऊंगा, तुम भी सीधा होगे और ये भी सीधा आएगा, टक्कर हो ही जानी है, पक्की बात टक्कर होएगी। अब क्वेश्चन ये है कि इस टाइप के प्रॉब्लम में वो बोलता है कि सर्कल में घूमे जा रहे हैं, तो सुन लो फिर एक बात, सर्कल में ये अपने आप नहीं घूम सकते, इनकी टक्कर ही होनी है, तुम्हें वेलोसिटी देनी पड़ेगी, थोड़ी सी दे दो, चाहे तुम इसको कुछ तो वेलोसिटी दो, टेंजेंशियल देना। अब देखो कमाल हो गई, वेलोसिटी टेंजेंशियल है, ये बॉडी इधर आने की कोशिश कर रही है और ये इनका सेंटर है, तो अब ये फोर्स क्या करेगी, सेंट्रिपिटल हो जाएगी, अब ये चाहती है मैं इधर जाऊं, आप चाहती हो इधर जाए, अब ये बेचारी इधर को मुड़ जाएगी और अल्टीमेटली कैसा घूमना शुरू कर देगी ना, सर्कल, हर पॉइंट पर सेंटर, अब ये जो ग्रेविटी की फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो टूवर्ड सेंटर एक्ट करेगी और इसको क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रिपिटल, बिना वेलोसिटी के घूम नहीं पाएंगे क्योंकि टक्कर हो जाएगी। सेम ये सिचुएशन है, बिल्कुल भी सर्कल में घूमेंगे नहीं, तुम्हें हल्की सी वेलोसिटी तो इन्हें देनी ही पड़ेगी, अब मजा आएगा, तुमने वेलोसिटी दी, इसकी नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर है और यही फोर्स क्या एक्ट करेगी, अब सेंट्रिपिटल, इसको सर्कल में घुमा देगी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, बिना एक्सटर्नल वेलोसिटी के ये नहीं घूमेंगे। सेम सिचुएशन तो सन के साथ है, सेम सिचुएशन मून के साथ है, और सेम तो सैटेलाइट के साथ है, जो सैटेलाइट है, हम ये आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, जो सैटेलाइट है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अर्थ है, आप सैटेलाइट को कुछ किलोमीटर ऊपर ले गए, मान लो 500 किलोमीटर ऊपर ले गए, फिर आप क्या करते हो, रॉकेट के साथ उसको अटैच करते हो, रॉकेट बहुत तेज़ी से हॉरिजॉन्टल जाता है और सैटेलाइट को ड्रॉप कर देता है, रॉकेट की वेलोसिटी सैटेलाइट की वेलोसिटी सेम हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पत्थर फेंक दिया बहुत हाइट पे, अब ग्रेविटी तो लगी रही है, अब ये पत्थर को कैसे गिरना है, प्रोजेक्टाइल मोशन,
तो ये पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा। तो जैसे ये सेटेलाइट, नहीं देखो अगर आप सेटेलाइट को सीधा जाके छोड़ देंगे गारंटेड अर्थ के ऊपर गिरेगा, पक्का गिरेगा। अगर आप वी वेलोसिटी देके छोड़ देंगे तो अर्थ का सेंटर इसे अपनी तरफ खींचेगा बाय अप्लाइंग अ ग्रेविटी की फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, ये सेंटर की तरफ आएगा, इसको ये क्या मिल जाएगी, सेंट्रिपिटल, और ये सर्कल में घूमेगा क्योंकि अर्थ गोल है, इसको फ्लोर नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही, गिरे कहाँ। तो हर वक्त ये फोर्स कहाँ एक्ट करती रहेगी, टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर एंड सेंटर, और क्या प्रोवाइड करते रहेगी इसे, सेंट्रीपिटल। अब ये सदा फंसी गया हमेशा के लिए, और सैटेलाइट चल तो रही है ऐसी, बस सैटेलाइट को फेंकना होता है, बस ड्रॉप नहीं करना होता। मून भी तो ऐसे ही फंसा हुआ है, मून तो बेचारा जाने की कोशिश कर रहा था, अर्थ के लपेटे में आ गया ना, अर्थ ने पकड़ लिया और उसकी ग्रेविटी की फोर्स में आ गया। हर वक्त टेंजेंशियल है। अगर मून की इनिशियल वेलोसिटी ना हुई होती, कब का गिर चुका होता अर्थ के ऊपर। तो पॉइंट समझ में आ रहे कि क्या लॉजिक है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैंने शीट नंबर 79 में ऑलरेडी किया हुआ है आपकी बुकलेट में, यहीं से देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये रहा साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की ए है, एंगल यहाँ पर 60 डिग्री है, मैंने विलोसिटी वी 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 दी। क्वेश्चन है बोलो कितनी वेलोसिटी थी ताकि ये तीनों के तीनों सर्कल में घूमना स्टार्ट हो जाए, ये क्वेश्चन है। तो मेरे को क्या निकालनी है, वेलोसिटी वी। तो ऑब्वियसली अगर वो कह रहा है कि मेरे को वेलोसिटी वी निकालनी है, इसका मतलब वेलोसिटी मैंने दी होगी, और ये भी बताना है हर पार्टिकल का एक चक्कर का समय क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये भी बताना है। तो अगर मुझे यहाँ पर वेलोसिटी वी बतानी है तो रूल समझो, वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले कोई भी एक पार्टिकल लो, सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपेटल चाहिए। ये मास इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये मास इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये मास के ऊपर भी अट्रैक्शन है, यहाँ से इसकी भी अट्रैक्शन है, ऐसे ही ये अट्रैक्ट हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है कुछ ऐसे। तो अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये एफ और एफ फोर्स है, एंगल 60 है, तो इसकी जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ एक्ट करेगा, टूवर्ड सेंटर। और आपने मैक्स किया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सर्कल बना हुआ है, तो इसका सेंटर कहाँ पर आ जाएगा, इसके सेंट्रॉयड पे, ये रहा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सेंट्रॉयड ही इस सर्कल का क्या माना जाएगा, सेंटर। अब ध्यान आगे, अब ये सेंटर है, ये पार्टिकल पे नेट फोर्स कितनी लग रही है, ये पार्टिकल के पड़ोसी इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं एफ एंड एफ, और इन एंगल कितने इनके बीच में 60, तो नेट फोर्स क्या लगेगी, नेट फोर्स लगेगी अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर टू एफ एफ कॉस ऑफ 60। और ये फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, टूवर्ड्स सेंटर। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम के अंदर ये फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, टूवर्ड्स सेंटर, और क्या प्रोवाइड करेगी इसे, सेंट्रिपिटल। अब सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होती है, ये जो नेट फोर्स आएगी, ये जो नेट फोर्स आएगी रूट एफ स्क्वायर टू एफ एफ कॉस 60 इक्वल टू क्या, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब प्रॉब्लम ये है, एम ठीक है, वी ठीक है, आर नहीं पता, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस आर, कि किस रेडियस में ये पार्टिकल घूम रहे हैं। अब आपको आर निकालना पड़ेगा, अब आर निकालने के लिए मैथ्स लगाना पड़ेगा। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड ए है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड किसके इक्वल आएगी, साइन 60 इज इक्वल टू दिस बाय ए, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए साइन 60, तो ये वैल्यू ए साइन 60 है। क्लियर है यहां तक, हाइट आ गई, और सेंट्रोइड जो है वो इस पूरी हाइट को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। मैथ्स की प्रॉपर्टी है 2:1, सबको मालूम है ये सेंट्रोइड की रेशियो 2:1। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, और ये डिस्टेंस क्या होगा, 2/3 इंटू ए साइन 60। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, ए साइन 60 को 2:1 में डिवाइड कर लें, 2/3 इंटू ए साइन 60। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये वैल्यू आ गई, आर इक्वल टू 2/3 इंटू ए साइन 60। तो यहां से R की वैल्यू संभाल के रख लो। अब करो, नेट फोर्स क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर, और नेट फोर्स में यहां से cos 60 हाफ है, सॉल्व करके √3F आ गई। F की वैल्यू क्या है, इन दो मासेस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, G M M by A का स्क्वायर, इनके बीच में दूरी A है, तो G M M by A का स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और R हमने सेंट्रॉइड के कॉन्सेप्ट से निकाल रखा है A बाई √3, पुट करके यहां से वेलोसिटी निकाल लेना, ऑप्शन मार्क कर लेना, वेलोसिटी आ गई। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, नेट फोर्स निकालना, इन एम वी स्क्वायर बाई आर करना।
ये क्वेश्चन पी वाई क्यू में मिलेगा, कभी कहेगा स्क्वायर में पार्टिकल है सर्कल में घूम रहे हैं, कभी कहेगा ट्राइंगल में पार्टिकल है सर्कल में घूम रहे हैं, कभी कहेगा एम और एम पार्टिकल है सर्कल में घूम रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट यही चलेगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही क्या प्रोवाइड करेगी इसे सेंट्रिपेटल। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है वो कह रहे हैं एक चक्कर का टाइम बताओ क्या होगा। टाइम क्या है, डिस्टेंस एक चक्कर का 2πr अपॉन वेलोसिटी वी, आप निकाल चुके हैं, इसे सिंप्लीफाई करके ऑप्शन मार्क कर लें, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि क्या करना है, इसमें वेलोसिटी कैसे निकलेगी और कैपिटल डी कैसे निकलेगा, क्लियर है यहाँ तक? तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, इसे रेफर कर लेना, लेकिन क्वेश्चन घर जाके सॉल्व करना ही पड़ेगा, कॉमन क्वेश्चन है ना। जब तक देखो मैं तो आइडिया दे सकता हूँ और सॉल्व आप ही को प्रैक्टिस के साथ करना है, आप प्रैक्टिस करें, फिर आंसर नहीं आएगा। फिर तुमने सेंटर की तरफ फोर्स क्यों नहीं ली, एफ क्यों की ना, क्योंकि सेंटर वाइड कर फोर्स लेनी थी, नेट फोर्स है। तो यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में वो है क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया सेम टाइम पीरियड, क्वेश्चन नंबर 4 कितनों का क्वेश्चन हो गया था, हो गया ठीक है। देखो मैंने इसका हिंट दिया था, अब इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था जब जाते हुए मैंने आपको हिंट दे के भेजा था कि आपके पास दो मासेज हैं और दोनों की वैल्यू मासेज की सेम है, लेकिन उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया, एक क्वेश्चन और आता है इस चीज़ का, प्लीज़ आंसर देना मुझे, ये आएगा आपके पेपर मतलब उसमें पी वाई क्यू में शायद दिख भी जाए आपको, कि सपोज आपके दो मासेज हैं, हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम वैसे ये एम और एम, और मैंने इनको वेलोसिटी वी और वी दे दी, कोई ग्रेविटी नहीं कुछ नहीं, आपस की इंटरनल ग्रेविटी ग्रेविटेशनल की ही फोर्स से आपस में लग रही हैं, तो डिस्टेंस आर है। तो मैंने क्या सिखाया था, ये मास इधर की तरफ फोर्स लगेगी, इस मास पे इधर लगेगी, और ये पार्टिकल किस में घूमेगा, इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर ये जो फोर्स की वैल्यू है वो टूवर्ड सेंटर एक्ट करेगी, तो ये फोर्स की वैल्यू है कितनी, जी एम एम डिवाइडेड बाय 2a का स्क्वायर, बताया था मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस देखती है मासेस का, और इसके ऊपर सेंट्रिपिटल, और ये जो ग्रेविटेशनल की फोर्स है वो कहाँ एक्ट कर रही है, टूवर्ड सेंटर, और क्या प्रोवाइड कर रही है हर पार्टिकल को, सेंट्रिपिटल। तो यहाँ पर r आएगा, यहाँ पर 2r आएगा, यहाँ से सॉल्व करके आप वेलोसिटी निकाल लेना, ये मैंने बता दिया था आपको, पर क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन तो ये आएगा कि मान लो आपके पास एक m1 पार्टिकल है, मान लो आपके पास एक m2 पार्टिकल है, मैंने मासेज यानी इक्वल कर देने हैं, अब बोलो कि मैंने इनको v वेलोसिटी दी और ये सर्कल में घूमने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करूं, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो r है, सेंटर का है, अनइक्वल पार्टिकल्स का सेंटर सेंटर पे होगा ही नहीं, क्या ढूंढना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास, तुम्हें पहले सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा, जो कि उसमें नहीं ढूंढना पड़ा क्योंकि मासेस सेम है और सेंटर सेंटर है। अब मास जब सेम नहीं है तो दोनों के सेंटर का जो सेंटर ऑफ मास है वो पहले सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा के निकालना पड़ेगा, तो ये अनइक्वल रेडियस में घूमेंगे आर वन आर टू आपको निकालना पड़ेगा, फोर्स तो बराबर लगेगी जी एम एम बाई टू आर स्क्वायर, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन सेंट्रिपिटल दोनों में वेरी करेगी, एक में एम वन वी स्क्वायर बाई आर वन, एक में एम टू वी स्क्वायर बाई आर टू, और आर वन आर टू आपको निकालना पड़ेगा, वो तब देखेंगे जब पी वाई क्यू में आप फंस जाएंगे, मिल ही जाएगा आपको ये पी वाई क्यू में क्वेश्चन पक्का। पॉइंट समझ में आ रहेगी क्या लॉजिक है, तो अनइक्वल मासेज में फर्स्ट पॉइंट सेंटर ऑफ मास तो क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं तो होगा नहीं, आर तो बिल्कुल मत ले लेना, मिड पॉइंट तो बिल्कुल मत लेना अनइक्वल में। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ मैं बात कर रहा था इसकी, तो मेरे को ये क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि मान लो ये अर्थ है और अर्थ का मास कैपिटल एम है, दो मासेज हैं इक्वल छोटा एम, वो दो मासेज कुछ इस तरीके से हैं कि बहुत हाइट पे हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो मास सेम है पर फिर भी अनइक्वल है, वो रीज़न क्योंकि यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वन है और यहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी टू है, इनके बीच में डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है एच है, इनके बीच में फर्क कितने
एच का फर्क है। तो तुम्हें ये बताना है कि दोनों में चेंज इन वेट कितना है, इनमें वेट का चेंज कितना है। अब वेट के चेंज में काम करना पड़ेगा, इमेजिन कर लो कि इसकी सरफेस से इसकी हाइट एच वन है और इमेजिन कर लो इसकी हाइट कितनी है एच टू है। तो यहाँ पर जी वन का फॉर्मूला जी वन माइनस टू एच वन बाई आर, और यहाँ पर जी टू का फॉर्मूला जी वन माइनस टू एच टू बाई आर एस है। तो यहाँ का वेट एम जी वन, यहाँ का वेट एम जी टू, आपको चेंज इन वेट निकालना है। ये क्वेश्चन है कि वेट में क्या चेंज है। तो मैंने आपके लिए यहाँ तक तो कर ही लिया, वेट का चेंज निकाल लिया, जी टू की जगह जी वन माइनस टू एच टू बाई आर और जी वन की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये तो सही है। अभी अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उससे यही यहाँ तक तो आंसर आ गया। इन्हें ओपन कर लो, मीन्स एन जी कॉमन निकाल लो, वन से वन कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू में एच टू एच वन मैंने खुद एज्यूम किया था, तो इनका डिफरेंस मुझे गिवन है क्वेश्चन में जो कि क्या है एच। तो मेरा आंसर चेंज इन वेट का ये आ गया। फिर मैं अपना ऑप्शन देखूंगा, मेरे को ऑप्शन मिलेगा नहीं, ऑप्शन कैपिटल जी की फॉर्म में, स्मॉल जी की फॉर्म में नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसको यहां अलग से लिखूंगा और स्मॉल जी को बड़े जी की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा जी एम बाई आर स्क्वायर, फिर बड़ा एम इज मास ऑफ अर्थ। तो ठीक है, मैंने रिप्लेस कर दिया। अब मैं ऑप्शन देखूंगा, मेरा ऑप्शन अभी नहीं आएगा। फिर मैं देख रहा हूँ डेंसिटी आ रही है, ऑप्शन देखो डेंसिटी आ रही है। अब मैं समझ गया, टोटल मास ऑफ अर्थ इज टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ इनटू डेंसिटी। अब तो मेरा आंसर आ ही जाएगा, मार्क कर लेना। समझ में आ रहा है यहाँ तक, डेंसिटी है तो फिर मास इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को यूज करके मास ऑफ अर्थ को पुट करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। अब कन्फ्यूजन स्टूडेंट कहाँ करता है ये भी बता देता हूँ, सुन लो। घर जाता जाता प्रैक्टिस रात को करने बैठेगा, वो गलती से इस मास को पुट कर देगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जिसको तोल रहा है, जबकि डेंसिटी किसकी है, अर्थ की। तो तुम इसमें मत पुट कर देना वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो पॉइंट मास है वो अर्थ है। तो तुम पहले स्मॉल जी को, स्मॉल जी से अर्थ का मास निकाल लो, उस अर्थ के मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखना, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे छोटे एम को पुट करना है कि बड़े एम को पुट करना है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो अर्थ का ही पुट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अर्थ का वॉल्यूम है, पॉइंट मास का थोड़ी ना वॉल्यूम है। समझ में आ रहा है यहां तक पॉइंट, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये भी हो गया फोर्थ, फिफ्थ बोला था मैंने, डाउट है, डाउट है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ वेयर वेट ऑफ द बॉडी आर जीरो एंड वन फोर्थ ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस। तो ठीक है, हाइट के साथ वेट जीरो, अगर वेट जीरो करना है तो जी डैश को क्या करना है, जीरो। और एक बार क्या करना है, एक बार आपको क्या करना है, इसका वेट वन फोर्थ। तो एक काम करते हैं, वन फोर्थ पहले करते हैं, एम से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा वेट क्या है, एम जी बाई फोर, एम जी एम जी कैंसिल, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री आर बाई फोर। तो आपको क्या करना है, वो कह रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वेयर द वेट ऑफ द बॉडी आर जीरो, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे ही जाके रख दो ऑब्जेक्ट को, वेटलेसनेस की कंडीशन है, तो वहां पर वेट जीरो है, और ये मैंने निकाल दिया आपको आंसर क्या ये तो। हाँ, आर बाई, अच्छा मैंने गलत किया, एक अच्छा ओ सॉरी, ये मैंने सरफेस से निकाला है एच, राइट सही बात, पॉइंट है, ये मैंने सरफेस से निकाला है, जबकि मुझे कहाँ से निकालना है, फ्रॉम सेंटर, देख लें एक बार, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, हाँ सेंटर ऑफ द अर्थ से निकालना है, राइट सही कह रहे हैं। तो मुझे डिस्टेंस सेंटर से निकालना है और ये सरफेस से आया, तो सरफेस से आया मेरा आंसर क्या आया, थ्री आर बाई फोर। नहीं फिर आंसर कैसे आएगा, लेकिन क्या आंसर, ओह ये गलत है, सही कह रहे हो यार, हाइट का फॉर्मूला लगेगा, राइट सही है, गलत है, इसका आंसर ऐसे आएगा, इसमें हाइट का फॉर्मूला लगेगा, पॉइंट है, मैंने गलत लगा दिया, डेप्थ का लगा दिया मैंने, डिस्टेंस ऑन टू द अर्थ वेयर द वेट ऑफ द बॉडी इज जीरो एंड वन फोर डैट ऑफ द अर्थ। यार इसमें ना केस क्लियर नहीं हो रहा अब, हाँ क्योंकि ये नहीं केस क्लियर हो रहा कि मैं हाइट लगाऊं या मैं डेप्थ लगाऊं, पॉइंट है। अब देखो ना, मैं डेप्थ का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये सही लगाया मैंने, सही बिल्कुल सही है, तो डेप्थ का फॉर्मूला लगाया तो ये फॉर्मूला आ गया। मैं हाइट का लगाऊंगा तो आपने चेक किया हाइट के साथ क्या आंसर आ रहा है, तो मेरे को लगता है क्योंकि हम मतलब क्वेश्चन का टोन ऐसा बोल रहे हैं, हम शायद पकड़ नहीं रहे इसे, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पे वेट जीरो है और फिर मैं ऊपर आ रहा हूँ, मेरा वेट कितना हो गया, एम जी बाय फोर, सेंटर से एम जी, अभी मैं अर्थ के अंदर ही हूँ,
और अभी सरफेस पे जा रहा हूँ, सरफेस पे कितना हो गया एम जी। तो ये उस टोन में बात कर रहा है कि तुम सेंटर से चलना स्टार्ट करो, तब तुम्हारा वेट 0 होगा और तब तुम्हारा वेट एम जी बाय 4 होगा। तो तुम डेप्थ का ही लगाना, हाइट का मत लगाना, सही है ठीक है ना। तो यानी कि ये एज्यूम कर रहा है कि सेंटर ओरिजिन है, आप अपने डिस्टेंसेस सेंटर से ले रहे हो, क्लियर है यहाँ तक। शायद तभी मैंने ऐसे किया हुआ है, ये सोच के किया हुआ है आप सेंटर से निकाल रहे हो। मास तो कम होता है, जी कम होगा। अब प्रॉब्लम है वेट 0 कब होगा, जब तो मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाऊंगा, तो पूछ ही नहीं सकता। वन फोर्थ में जा सकते हैं, 0 में कैसे जाएंगे। तो फिर ये तो दो केस हो गए ना, तुमने आधा डेप्थ के साथ कर दिया, आधा हाइट के साथ कर दिया, ये तो गड़बड़ हो गई ना। तो इट मीन्स वो ये कह रहे हैं सेंटर को ओरिजिन मानो, सेंटर से ऊपर चलना स्टार्ट हो और देखो डेप्थ के अंदर कब वेट एम जी बाय 4 हो जाता है, ऐसा ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 के बाद 7th, नहीं 7th तो करना नहीं है। और कोई डाउट पूछो, क्वेश्चन बोलो। ठीक है और कोई क्वेश्चन। 14th. 14th, 14th क्वेश्चन में इफ द अर्थ श्रिंक्स इन रेडियस बाय 4%, परसेंट के क्वेश्चन कैसे करते थे, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 के बने, और क्या निकालना है मुझे कि वैल्यू ऑफ स्मॉल जी निकालना है और कैपिटल आर रिमेनिंग दी सेम। तो तुम स्मॉल जी का फॉर्मूला लिख लो, और मैंने आपको एक शॉर्टकट करवा रखा है वो एरर्स वाला, परसेंटेज में एरर्स वाला फॉर्मूला, कैसे डेल्टा जी बाई जी, यहाँ से क्या आएगा जी और एम कॉन्स्टेंट है, 2 डेल्टा आर बाई आर कर लो, कोई बात नहीं, तुम यहाँ माइनस का चक्कर मत डालो, कुछ मत करो, ऐसे रहने दो। तो 2 × ∆R/R 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको परसेंटेज रेडियस का कितना गिवन है 4%, 4 × 2 8%। अब तुम्हें ये पता है कि अगर आपका आर की वैल्यू बढ़ती है तो जी आपका घटता है, तो आंसर डिक्रीज का आंसर आएगा, 8% डिक्रीज है। मेंशन नहीं किया उसने इंक्रीज डिक्रीज बताना है, तो शायद इतना करने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही पता लग रहा है। पर अगर परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज भी पूछी जा सकती है, 8%, 8% डिक्रीज आंसर है इसका, तो ऐसा कर सकते हो। देखो 5th में, 5th का आंसर है, नहीं इसका आंसर यार बी है, तुम बी के साथ ही रहो, मेरी बात मानो, मैं ठीक कर रहा हूँ, वो मैंने ठीक किया हुआ है। डेप्थ कहीं आएगा, डेप्थ ही लगाना। और कोई क्वेश्चन इसमें, ठीक है।